ओके गाइस, तो काम शुरू हो चुका है बिल्कुल, एंड अपन एग्जॉस्ट निकाल रहे हैं अभी। आप अगर दूर से देखो तो अभी कितना भद्दा लग रहा है ये, एंड मेरे ब्रदर ने भी बोला था कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दे। मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो मेरे को आना पड़ा वर्कशॉप अपने, और फुल्ली कार्बन फाइबर टाइप मैंने इसको करवा दिया है, वैसे रैपिंग है ये। सो हेलो, व्हाट इज अप एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य राइडर, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो थंबनेल टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये मेरी गोरी खड़ी है, एंड मैं आज इसका जो है ये जो पेंट पाइप है ना, इसको चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कितना बुरा लग रहा है ये, एंड इसमें रस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एग्जॉस्ट मेरा यही लगा रहेगा मुस्तांग ट्रिप के लिए, बट मैं ये चेंज करने वाला हूँ, एंड कसम मेरे साथ है। तो मैंने उसको एलेंकी लेके बुलाया यहाँ पे, तो अपन दोनों मिल के यहाँ पे ये खोला खाली करेंगे, ठीक है? तो अपने आप ही करते हैं, जो काम करते हैं तो बेस्ट रहता है ना। आप अगर दूर से देखो तो अभी कितना भद्दा लग रहा है ये, एंड मेरे ब्रदर ने भी बोला था कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दे। तो वैसे मैं इसमें टाइटेनियम लगा था, बट नेपाल में टाइटेनियम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके गाइस, तो काम शुरू हो चुका है बिल्कुल, एंड अपन एग्जॉस्ट निकाल रहे हैं अभी। पहले एग्जॉस्ट निकलेगा, फिर बैंड पाइप निकलेगा। तो अपन ये जो बैंड पाइप है इसी को लेके जाएंगे, एंड एक्चुअल साइज का अपने को स्टील देखना है कि स्टेनलेस स्टील में अपने को ये मिलता है कि नहीं, तो वो चेक करके अपन फिर बाद में आके इसको लगा देंगे। जो भी प्रोसेस रहेगा सब आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी पहले एग्जॉस्ट खोलते हैं, और ये खुल भी गया है ऑलमोस्ट। आई थिंक पीछे से घूम रहा है भाई, हाँ पीछे से घूम रहा है ये। A few inches later. तो गाइस फाइनली अपन ने एग्जॉस्ट तो निकाल लिया है, अपने को ये खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो डायरेक्ट निकल गया। तो अब इसको अपन अलग कर रहे हैं, यहाँ से अपने को अलग करना है, एंड फिर एग्जॉस्ट अलग हो जाएगा, फिर ये पाइप अलग हो जाएगा। अपने को खाली इस पाइप की ज़रूरत है। आप देख सकते हो कितना रस्टिंग आ चुका है इसमें, तो मेरे को ये रस्टिंग से ही प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेनलेस स्टील लगाना है इसमें। तो अभी कोशिश कर रहे हैं इसको निकालने की, एग्जॉस्ट को खींचो भाई, खींच घुमा के। अरे अरे अरे, एक हाथ से हो भी नहीं रहा यार, एक मिनट रुक जा। ओके गाइस, तो फाइनली बहुत मशक्कत करने के बाद मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो मेरे को आना पड़ा वर्कशॉप अपने। तो अपने वर्कशॉप पे मैं आ चुका हूँ, एंड मेरी धन्नो भी यहाँ पे खड़ी है। इसका क्या हो रखा है, इसका बैटरी जो है वो डेड है बिल्कुल, तो इसलिए सेल्फ नहीं पकड़ रही है। तो इसका बैटरी चार्ज में लगाने का है, तो इसका बैटरी चार्ज में लगेगा। एंड गोरी को क्या किया मैंने, इसका जो भी यहाँ पे रैपिंग मैंने करा रखा था वो मैंने अभी उतारा है। ये भी मैंने अपने हाथों से लाइक ग्राइंडर मारा इस पर, ग्राइंडर भी यहीं पर रखा है ये। तो अभी मैंने इस पर ग्राइंडर लगाया, तो ये अभी ऐसा दिख रहा है फिनिशिंग, लेकिन ये ऐसा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी ब्रदर ने फॉइल लगा दिया है, जो मिड पाइप था मेरा, क्योंकि पहले इसमें वो टेप रैपिंग था, तो वो टेप रैपिंग अभी निकाला गया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें फिर से वही वाला टेप रैपिंग करें, बट न्यू टेप लगाया जाए, तो लुक थोड़ा इनहेंस होके आ जाएगा इसमें। और द थिंग इज़ कि इससे थोड़ा थोड़ा जो एयर लीक हो रहा था, एयर पास हो रहा था, उसको भी अपन ब्लॉक करेंगे यहाँ पे। टेपिंग करूँगा, एक लीकेज का होता है वो टेपिंग करके फिर इसको अच्छे से फिक्स करेंगे। एंड ब्रदर ने एग्जॉस्ट इतना टाइट कर दिया मेरे वाला, जो कि ये हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। पहले क्या था, ये हिल रहा था, तो ये अच्छे से प्रॉपरली सेट नहीं था, तो अभी ओके हो गया एकदम। तो अभी हिल नहीं रहा है एग्जॉस्ट, एंड पहले इसी वजह से ये थोड़ा नॉइस करता था एग्जॉस्ट, बट अभी ओके एकदम, बहुत टाइट कर दिया इन्होंने। तो इसको फिर से एक बार खोलना पड़ेगा, इसको रैपिंग कराने मेरे को ले जाना है। अभी मैं इसको रैपिंग कराने ले जा रहा हूँ, एंड मेरे को ये पट्टा भी लेके आना है साथ में। और इसका ये क्लैंप मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्लैंप लगाना पड़ेगा या नहीं। वैसे तो बहुत टाइट है, बट एयर पास होता है, तो इसको भी अपन सील करेंगे किसी ना किसी तरह, क्योंकि अब बाइक टोटली रेडी हो रही है मुस्तांग के लिए। तो मुस्तांग में बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत आ सकती थी अगर मैं वैसे के वैसे ले जाता, बट मैंने अच्छा डिसीजन किया कि इसको मैंने खुलवा के अच्छे से टाइट करवा दिया। तो गाइज फाइनली अपनी बाइक का काम हो चुका है खत्म, एंड इतनी ही सेक्सी लग रही है बाइक, क्या मैं बताऊँ। तो पहले चेकआउट करो बाइक। तो ये पूरा इसमें एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, पूरा फुल्ली कार्बन फाइबर मैंने करवा दिया इसको रैप, एंड इतनी मेहनत लगी है इसमें। तो ये दो क्लैंप इधर लगे हैं, दो क्लैंप इधर लगे हैं, तो अब फुल्ली पैक्ड अप हो चुका है, कहीं से लीकेज नहीं हो रहा है, और अब ब्यूटी भी लग रही है थोड़ी सी, बाइक अच्छी सी दिख रही है। अभी वॉश होगी एक बार, ये देखो आप, ये गंदा लगा है ना, तो ये वॉश होने के बाद फिर अच्छी लगेगी ये। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा निकल के आया है, बाकी हाथों में खाज है, खुजली हो रही है, इसकी कोई उपाय है कमेंट में बताना भाई। हाँ कमेंट में बताना गाइस, इसका क्या उपाय है। जब भी ये लगाते हैं ना, ये जो ये कपड़ा है, आई डोंट नो किस चीज़ किस मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन इसने हमारे हाथों में जो जलजलान उठा दी है ना, हाथ जले बड़े बिल्कुल, खाज इतनी आ रही है इसमें। पता नहीं क्या मटेरियल है, बट लगाने में बहुत प्रॉब्लम आया। ब्रदर को ग्लव्स लगा के कर रहे थे, बट मैंने विदाउट ग्लव्स भी किया, फिर भी अपना पूरा मुँह पे एकदम
चिलम चिल्ली मची पड़ी है, तो पूरा फेस स्क्रैच करने का मन कर रहा है एकदम, पूरा ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है, और उनके भी हाथों में बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम ऑलमोस्ट खुजली खुजली हो रही है। तो फाइनली डन हो चुका है, बाकी कल इसको वॉश करेंगे सुबह, यहीं पे वॉश करते हैं सुबह। अब चलो सुबह निकाल के लाऊंगा मैं इसको, तो सुबह ला के यहाँ पे इसको वॉश करेंगे। बट जो फायर शॉट्स दे रही है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, हिला डाला इसने अभी मोहल्ले को। तो गाइस नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो अभी फ़िलहाल मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी है, एंड मैं दिखाना चाह रहा था आज आपको कि फ़ाइनल एग्जॉस्ट कैसा लगा है। तो फाइनली आप देख सकते हो ये कैन हो गया मेरा जो भी है, और मिड पाइप जो लगा था ये लगा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म है आई गेस। अभी मैं एक राउंड अप लेके आया था इसको, इसमें क्या रहता है थोड़ा थोड़ा ये जो बाल रहते हैं ये बहुत ज़्यादा चुभता है हाथ में, तो इसका आप प्रोटेक्ट करना अपने आप को जैसे भी आप लगाते हो, अगर आप लगाना चाहते हो तो ये वाला बैंड आ जाता है। वैसे बुलेट पे नॉर्मली लगता है ये, बट मैंने इस पे लगा दिया, ओनली मेरे ये मिड पाइप पे लगाया मैंने, एंड अभी ये बर्न हो रहा था बहुत ज़्यादा, अभी भी हीट पे है, अभी देख रहा हूँ मैं थोड़ा हीट आ रहा है इसमें। तो अभी एक राउंड अप लेके आया, मेरी बाइक एक्चुअल में फ्री फ्लो हो चुकी है ऑलमोस्ट, मैं कहूँ तो ओनली दो कैट है, वो है मेरे मिड पाइप पे, जो कैट लगे हुए हैं वो ये हैं, और बाकी ये फ्री फ्लो जैसी हो चुकी है, और साउंड बहुत ज़्यादा सूथिंग, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है इसकी अभी फिलहाल देखा जाए तो। स्टिकरिंग में सोच रहा था कि इसको चेंज करके मैं दूसरा स्टिकरिंग लगाऊं, बट नॉट नाउ, अभी मैं नहीं लगाऊंगा, और फॉर दिस ट्रिप ये काफ़ी है, एक स्टिकर मेरा ये हो गया, एक इस साइड पे लगा हुआ है, तो इतना काफ़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि मुस्तांग ट्रिप के लिए ये इतना इनफ रहेगा। बाकी लगेज के लिए मैंने क्या कर रखा है कि हमारे वसीम भाई आ रहे हैं, उनके पास थोड़ा सा मेरा रहेगा लगेज, बट मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैं पैनियर वेनियर कुछ ना लगाऊँ, ये नेकेड ही ऐसी अच्छी लगती है, तो एक बैग में यहाँ पे टाई अप कर दूंगा जो भी रहेगा बंजी कॉर्ड से, क्योंकि मैं सिंगल राइडर जाने वाला हूँ, सिंगल राइड में राइड करने वाला हूँ इसको। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो बैक लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, डबल बैरल एग्जॉस्ट हो गया है मेरा, और फुल्ली कार्बन फाइबर टाइप मैंने इसको करवा दिया है। वैसे रैपिंग है ये, कलर वलर कुछ नहीं है, ओनली रैप करवाया मैंने इस पर। तो माय फर्स्ट राइड होने वाली है 2023 की, जो कि होने वाली है काठमांडू मुस्तांग एंड मे बी मनाली हो सकती है, तो प्लान वही है, बट फिक्स मैं नहीं कह सकता अभी क्या है। वसीम भाई आएंगे फिर अपन कॉफ़ी पीते पीते बात करेंगे जो भी करेंगे। वसीम भाई निकल चुके हैं सहारनपुर से, अभी उन्होंने अपडेट दिया मेरे को समथिंग अराउंड वो आगरा पहुँचे हैं, तो अभी उनको भी मेरे को पूरा एकदम कनेक्टिविटी रखना है, क्योंकि उनको रास्ते का कुछ मालूम नहीं है, फर्स्ट टाइम वो नेपाल आ रहे हैं, तो उनको भी मैं गाइड कर रहा हूँ कैसे आना है कैसे नहीं। तो जिसको भी ऐसे कोई प्रॉब्लम रहेगा, अगर कोई इंडियन राइडर ये देख रहा है वीडियो, तो आप मेरे को डायरेक्टली पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं गाइड कर दूंगा सबको, एंड सबको बता भी दूंगा कैसे कैसे आना है कैसे नहीं आना है, क्या प्रोसेस रहेगा क्या नहीं, सब मैं बताता हूँ, सबको हेल्प करता हूँ। वैसे अभी दो राइडर मेरे आए थे फ्रॉम मुंबई, वो आए अच्छे खासे मेरे से मिले भी, कल परसों में उन्हीं के साथ था, एंड कंप्लीट उनका राइड हो गया है, वो अभी जा रहे हैं मुस्तांग। तो आप भी अगर आना चाहते हो तो मेरे को डायरेक्ट पिंग करो, मैं जितना मेरे को हेल्प हो सके मैं करता हूँ सबको, करूँगा भी। तो अभी फ़िलहाल मेरी राइड ये है, एंड मेरे को अभी इस पे ध्यान देने का है। आज का व्लॉग मेरा पर्टिकुलर ये था, आज का नहीं मतलब ये वाला व्लॉग मेरा पर्टिकुलर ये था, इसको 3 दिन हो गए मेरे को इस व्लॉग को कंप्लीट करने में, क्योंकि पहले मैंने इसका एग्जॉस्ट ओपन किया था, फिर अभी मैंने एग्जॉस्ट इसका बनाने दिया था, फिर अब लगाया है मैंने, वर्कशॉप पर भी मेरे को रहना पड़ा थोड़ा सा, तो अभी फाइनल हो गई है मेरी बाइक, एकदम चकाचक हो गई है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, ओनली इसका एक बार मेरे को मोबाइल चेक करना है, वो मैं करूँगा निकलने से लाइक पहले 1-2 दिन पहले वो मोबाइल चेक करके, एंड फाइनल निकल जाऊँगा। अगर चेंज करना पड़ेगा तो चेंज कर दूंगा, नहीं तो फिर अपना जो रहेगा वो है ही, क्योंकि 3000 किलोमीटर चल गई है मेरी बाइक लास्ट सर्विस से, तो आई थिंक चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल अच्छा डाला था, तो समथिंग अराउंड 6-7000 अच्छा खींच लेती है मोबाइल अगर अच्छी तरह राइड करे तो। तो बस ये वीडियो मेरी यहीं तक रहने वाली है गाइस, इस वीडियो को मैं करूँगा एंड, अब मिलूंगा सीधा आपसे ट्रिप पे, एंड जो भी मेरा अदर वीडियोस रहेगा वो मैं डालूंगा, आपको अपडेट मेरा रहता रहेगा। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो जाके, उसमें मेरा जो भी अपडेट रहेगा मैं स्टोरी पे लगाता हूं, आप सब चेक कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो मैं करूंगा यहीं पे एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।